नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के बंसल, न्यूरोसर्जन नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे दिमाग में पानी भर जाने पे। तो इसको हम लोग मेडिकल टर्म में हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी और सेफेलस मीन्स दिमाग। दिमाग में पानी भर जाना मतलब जैसे कि बच्चों में ज़्यादातर आपको मिलेगा कि बच्चे का सिर एकदम से बड़ा होना शुरू हो गया है, या बच्चा पैदा हुआ है तो बड़े सिर के साथ पैदा हुआ है। तो बच्चों में बहुत कॉमन है ये बीमारी। ऐसे तो बड़ों में भी हो जाती है, पर उसके विभिन्न कारण होते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर ने पानी का रास्ता रोक दिया तो उससे पानी भर जाना, पर उसमें सिर बड़ा होना नहीं पता चलता है, क्योंकि सिर एकदम आपकी एज के बाद में सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं तो सिर का साइज़ बड़ा नहीं होता है। पर बच्चों में सिर का साइज़ बड़ा होने की वजह से हम जल्दी से पकड़ पाते हैं इसको। इसकी जल्दी से जल्दी जो हम कहें तो वो एक कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस होता है, जिसको मतलब पैदा होते ही बच्चे का सिर बड़ा है। सामान्य तौर पे वो आपको जो दाई ने पैदा किया है या हॉस्पिटल में पैदा हुआ है बच्चा, तो आपका वो डॉक्टर ही बता देगा कि इसका सिर बड़ा है, इसकी जांच करानी चाहिए, इसमें पानी भरा हुआ होगा तो उसका इलाज करना चाहिए। और ये सिर में जो पानी भरता है, इसके तीन बड़े कारण होते हैं, मेजर कारण होते हैं। कि एक तो पानी ज़्यादा बन रहा है, और एक पानी बनने के बाद में वो शरीर में वापस एब्जॉर्ब होता है, वो कम हो रहा है। और तीसरा ये कि पानी का रास्ता में रुकावट है, जो पानी का सर्कुलेशन चलता रहता है। हमारा जो दिमाग है उसमें करीब 150 ml पानी होता है हर वक्त, और ये पानी लगातार बन रहा है और लगातार इसमें पानी एब्जॉर्ब होता रहता है। तो आप ये मानिए कि एक दिन में मतलब 24 घंटे में ये पूरा ब्रेन का पानी 3 बार हमारा चेंज हो जाता है। मतलब 150 ml बन रहा है तो 500 ml पानी का डेली प्रोडक्शन होता है। 150 ml पुराना पानी रिप्लेस होता रहता है नए पानी से, और ये पानी जो है ब्रेन में एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे हमें कोई झटका लगा तो वो पानी के अंदर ब्रेन ऐसे फ्लोट करता है, तैरता रहता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन के अंदर भी एक थैली होती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो वो थैली फूलनी शुरू हो जाती है, तब हम कहते हैं कि इसको हाइड्रोसेफलस हो गया है। जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, ये सारी हड्डियां तो जुड़ी नहीं होने की वजह से वो सिर बड़ा होना शुरू हो जाता है, सिर फैलना शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसका सिर का साइज़ बड़ा हो गया है, जो कि नॉर्मल साइज से बड़ा है। तो डॉक्टर एग्जामिन करके उसको नाप के बता सकते हैं, और वैसे सामान्य आदमी भी पता लगा सकता है कि इसके सिर का साइज़ बड़ा है, तो जांच करने पे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर पानी ही भरा हुआ है। तो पानी भरने के ये तीन मुख्य कारण हैं। तो अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो पानी का रास्ता वापस खुल जाएगा। तो हाइड्रोसेफलस का एक ट्रीटमेंट ये हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि पानी का रास्ता एक जगह से ब्लॉक है तो हम दूरबीन की विधि से उसका दूसरा रास्ता बना देते हैं, अंदर ही अंदर ब्रेन के छेद करके, तो वो पानी का रास्ते का पानी का निकास होना शुरू हो जाता है, तो हाइड्रोसेफलस ठीक हो जाता है। जो बच्चों में होता है ज़्यादातर वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाए या इन्फेक्शन की वजह से ही हाइड्रोसेफलस हो सकता है। तो एक सामान्य इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और दूसरा होता है टीबी की वजह से। टीबी की वजह से पानी भरना तो किसी भी उम्र में हो सकता है, ज़्यादातर ये 1-2 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों में देखने को मिलता है, और 20-25 साल तक मिल सकता है। 25 साल की उम्र तक में बच्चों में टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होती है, और मेनिंजाइटिस की वजह से पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें हाइड्रोसेफलस होने की संभावना रहती है। तो जो एक पुराना और सबसे इलाज है वो शंट बोलते हैं हम उसको। एक ब्रेन में पाइप डालते हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा छेद करके, और उस छेद से पाइप डाल के वो पेट में पाइप डाल दी जाती है, जिससे कि पानी जो ब्रेन का एक्स्ट्रा पानी बन रहा है वो पेट में जाता रहे, और पेट में जो हमारी पेट की थैली है उससे पानी एब्जॉर्ब होता रहता है और किडनी के रास्ते पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो वो सबसे पुराना तरीका है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो वो भी करना पड़ सकता है, नहीं तो आजकल हम एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी करते हैं, जिसमें कि हम ब्रेन के अंदर दूरबीन डाल के जो रास्ता ब्लॉक है उसको बाईपास कर दिया जाता है, ताकि पानी निकलने का रास्ता दूसरा बन गया। तो वो धीरे 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 नेचुरल तरीके से हार्ट ब्रेन का साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है, और उसमें पानी जब निकलेगा तो ब्रेन को ग्रो करने की जगह मिलेगी, तो ब्रेन भी नॉर्मल रूप से ग्रो करेगा। जैसे अगर मान लो बच्चे का सिर बड़ा हो रहा है तब तो हमने पकड़ लिया, अगर बच्चे का सिर बड़ा नहीं हो रहा है तो हम कैसे पकड़ेंगे कि इसको हाइड्रोसेफलस हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मरीजों में उल्टियाँ होती हैं जो कि नहीं रुकती हैं, दवाइयों के बावजूद भी उल्टियों में रुकावट नहीं आती है।
तो हमें सीटी स्कैन करके या एमआरआई करके जांच करने पे पता चलता है कि ब्रेन में पानी भरा हुआ है, तो हम उसका इलाज करते हैं। इसी तरह से एमआरआई करने पे हमें और भी पता चल सकता है कि जैसे पानी का रास्ता रुकावट है तो क्यों है, और अगर इन्फेक्शन है तो हम पहले रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, उसमें जांच करके पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन है तो किस तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या टीबी का इन्फेक्शन है। अगर टीबी का इन्फेक्शन है तो दवा चलेगी टीबी की और इलाज भी चलेगा, साथ में पानी का रास्ते का भी इलाज करना पड़ेगा, पानी जो एक्सेस में बना हुआ है उसको निकालने का तरीका कुछ करना पड़ेगा। तो वो हम या तो शंट डालेंगे या दूरबीन से करते हैं, वो हम देख के ही बता पाते हैं। पर ये मानिए कि इसका इलाज संभव है, और अगर टीबी है तो 1.5 साल तक टीबी की दवाई खानी पड़ेगी, और टीबी अगर आती है तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि टीबी का 100% इलाज है, 100% टीबी ठीक हो जाती है दवाओं से। और 50% पेशेंट ऐसे होते हैं टीबी के जिनमें शंट डालने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में जैसे टीबी की जैसे जैसे बीमारी ठीक होने लगेगी तो पानी भी अपने आप से एब्जॉर्ब होने लगता है, तो वो भी नॉर्मल होने लगता है। और इसके साथ में तीसरी और चौथी चौथी बीमारी जो कि इंपॉर्टेंट है वो होती है कि रीढ़ की हड्डी में गांठ होना। बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में एक घुमड़ा बोलते हैं जिसको हम गाँव में, घुमड़ा या गांठ होना, तो वो गांठ होना में जो रीढ़ की हड्डी की नसें हैं वो उसमें आ जाती हैं और पानी आ जाता है, तो उस स्थिति में भी ब्रेन में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो उसमें दोनों का इलाज करना जरूरी होता है। ऐसे में मरीजों के कई बार बच्चों के पाँव में भी कमजोरी आती है, पेशाब भी वो लगातार बूंद बूंद गिरता रहता है, ये सब इनसे मिली जुली चीज़ें हैं। जो कि पहले मैंने बोला कि कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस है, वो बच्चे में 1 महीने की उम्र में हमें पता चल जाता है। अगर उसमें पानी का रास्ते की रुकावट है तो वो दूरबीन से सही हो जाता है, और अगर पानी के रास्ते की रुकावट नहीं है तो शंट डाल के उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें पानी का जो रास्ता बंद हो गया, पानी भर गया ब्रेन में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो आँख की नसों पे दबाव डालता है, तो रोशनी जाने की संभावना बहुत रहती है। तो बच्चों में इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए ताकि रोशनी बचाई जा सके, क्योंकि आँख है तो जान है।